हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग एसएससी, एमटीएस या एनटीपीसी किसी भी टाइप का फॉर्म फिलअप किए हैं तो उन सब में ये सभी जो है क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो पहला नंबर क्या है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 1 + √5 - √3 - 1 / √5 + √3। कैसे करेंगे, सबसे पहले तो इन दोनों का हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद कुछ इस तरह आएगा, ठीक है, ये आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, एज यूजुअल इसका ब्रैकेट हटा देते हैं। इसका ब्रैकेट हटाने के बाद जो जो नंबर भी कट रहा होगा, कैंसिल हो रहा होगा, उन सबको कैंसिल कर देंगे हम लोग। बच क्या गया हम लोग का, यहाँ पे √3 + √3 = √3 / 1 + √5² ठीक है, -√3² सबसे पहले इसका होल स्क्वायर तोड़ देते हैं हम लोग, आ जाएगा देखना आंसर। √3² 3, तो √3 / 5 + 1 = 6 - 3 होगा। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज कौन सा है, 2√3 / 2√5 + 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखो द वैल्यू ऑफ √42 + ये जो है इतना बड़ा का हम लोग को जो है वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो बहुत ही सिंपल है, सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि जो √42 + 42, देखो ये जो बड़ा वाला फॉर्म है इसको हम लोग ना x कंसिडर कर लेंगे, इस सब को जो हम लोग x कंसीडर कर लेते हैं। तो फिर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू हम लोग को पास किया जाएगा 42 + x आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड में अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो कुछ ऐसे आ जाएगा, ये हो गया। अब क्या हो गया, इजिकल टू 0, ठीक। अब क्या करेंगे, इमीडिएट हम फैक्टर दिख रहा है पूरी तरह से, इसको फैक्टर करते हैं, कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक। फिर एज यूजुअल जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते चलेंगे, फाइनली जो है x - 7 x + 6 = 0 हो गया हम लोगों का। अब आइदर x + 6 = 0 तो वैल्यू जो है x का वो नेगेटिव में आएगा, है ना। x + 6 = 0 अगर होगा तो x = -6 होगा, तो इसको तो नहीं लेंगे हम लोग। अब हम इसको करते हैं x - 7 = 0, तो x = 7 आ जाएगा, तो ये जो वैल्यू जो है एक्सेप्टेबल है। वैसे अगर हम लोग इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी देखें तो यहाँ पे 42 नंबर था ना, तो 42 को अगर हम तोड़ना चाहे ऐसे में जो कि को प्राइम नंबर्स हो, को प्राइम नंबर्स मतलब बता ही दिए हम लोग, हम उसका वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और साथ ही साथ आई बटन में भी देख लेना, आप लोग देख लेना कि को प्राइम नंबर आखिर होता क्या है। तो इसमें थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, 42 को 6 और 7 में तोड़ेंगे तो जो बड़ा वाला रहेगा ना वही हम लोग का हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये डिस्क्रिप्टिव टाइप रहा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो हम लोग ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी वैल्यू फाइंड आउट करना है इतना बड़ा का, है ना, देखो कितना बड़ा स्ट्रक्चर है। तो कुछ नहीं, सबसे पहले हम लोग जो है इस फिगर को पूरा का पूरा रैशनलाइजिंग कर देते हैं, रैशनलाइजिंग ईच टर्न, तो हम लोग को क्या मिलेगा। रैशनलाइज करना मतलब क्या होता है, इसका जो नंबर रहता है उससे हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि देखो हम एक ठो बता देते हैं, 1 / √2 - 1 है ना, तो ऊपर नीचे जो हम लोग √2 + 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी और इधर भी हुआ। नेक्स्ट में क्या है, √2 + 1 / ये तो देखो a + b a - b का फॉर्मूला हो गया, यानी कि a² - b² वाला फॉर्मूला हुआ ना। तो फिर √2 + 1 / 2 - 1 = √2 + 1 / 1, तो फाइनली क्या हो गया, √2 + 1 हो गया। इसलिए हम लोग डायरेक्ट जो है इस स्ट्रक्चर की जगह पे ये वाला हम लिख दिए यहाँ पर। नेक्स्ट में देखो चलते हैं, -√3 + √2 हो गया ये, +√4 + √3 - √4 + √4 √5 + √4, ठीक है। इस लाइन में आ जाते हैं, √6 + √5 - √7 + √6
प्लस रूट एट प्लस रूट सेवन माइनस रूट प्लस रूट एट हो गया। ये कुछ ऐसा आ गया हम लोग का इतना बड़ा सा स्ट्रक्चर। अब इसको क्या करता है, ब्रैकेट तोड़ता है सबका। कुछ ऐसा आ गया। अब देखते हैं जो जो एक दूसरे से कट जा रहा है प्लस माइनस के रिलेशन में है उन सबको काटते चलते हैं। ठीक है, तो हम लोग रिमेनिंग क्या बचा रहेगा, वन माइनस रूट नाइन। एंड रूट नाइन जो है वो थ्री का होता है, तो थ्री इजिकल टू माइनस टू, यानी कि ऑप्शन नंबर फोर इज आवर करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की ओर। यहाँ पे ये वैल्यू जो हम लोग का गिवन है, ठीक है, और फाइंड आउट क्या करना, ये रेड वाला है, रेड वाला चीज हम लोग को फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। कुछ ऐसा हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे, टू एक्स प्लस फिफ्टी टू वाई हो गया ये। तो फाइनली एक्स का वैल्यू क्या आ गया, सिक्सटी फोर वाई, जो कि हम लोग का पहला इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब क्या करेंगे इस बड़े वाले फिगर को सॉल्व करने के लिए, थ्री रूट एक्स माइनस रूट वाई डिवाइड में थ्री रूट एक्स प्लस थ्री। अच्छा, ये जो हम लोग का थ्री ब्रैकेट में रूट एक्स है, ये पता है ये थ्री मल्टीप्लाई में नहीं है बल्कि पावर वाला थ्री है। ठीक है, याद रहेगा। तो क्या करें हम लोग, ऊपर नीचे जो है रूट एक्स से डिवाइड कर देते हैं इसको, तो कुछ ऐसा वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पे कर देते सॉल्व, कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, क्या आ गया, एक्स बाई वाई, एक्स वाई अंदर में आ गया, माइनस वन प्लस वन। ठीक है, और ऊपर में हम लोग का होल क्यूब भी है। ठीक है, तो क्या समझ में आ रहा है, जिस तरह से रूट को अगर हम लोग किसी भी चीज़ के रूट को अगर हम लोग स्क्वायर से जो है कैंसिल कर देते हैं, है कि नहीं, तो उसी तरह यहाँ पे थ्री का जो रूट है, थ्री का जो स्क्वायर रूट है, इसको हम लोग इससे कैंसिल कर सकते हैं। तो फाइनली वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग एक्स बाई वाई का वैल्यू बैठा रहे हैं। ठीक है, 64 यहाँ पे है ना, अगर हम लोग y को इधर भेज देते हैं तो एक्स बाई वाई इजिकल टू 64 हो जाएगा। तो उसी तरह अगर हम लोग निकाल लेते हैं तो 4 माइनस वन डिवाइडेड बाई 4 प्लस वन हो गया ना, का होल क्यूब, क्योंकि 64 जो है 4 का होल क्यूब होता है, इसीलिए। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 4 माइनस थ्री, 3 बाई 5 का होल क्यूब, तो इजिकल टू क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पर, 27 डिवाइडेड बाई 125 आ गया। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर वन इज आवर करेक्ट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर फाइव की ओर। इस बड़े से फिगर का हम लोग को वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, टू का होल क्यूब जो है कॉमन ले लेते ऊपर से, बच जाएगा 2^4, 2^7 बच गया। डिवाइड में क्या करेंगे, 11 को तोड़ना है हम लोगों को। ठीक है, तोड़ दिए, इसमें भी 27 को हम लोग को तोड़ना है, बता दे रहे कैसे। ओके, 11 को तोड़े हम लोग यहाँ पे 9 प्लस 2, रूट 2 का होल स्क्वायर तो 2 ही होता है, तो 9 प्लस 2 11 हो गया। और 6 को तोड़ेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 में, उसी तरह यहाँ पे 27 को 25 प्लस 2 और 10 को तोड़ेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 में हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या मिलता है हम लोग को, 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर 4, 2 का 4 होल 4 हो गया 16, और ये रहा हम लोग का 64। डिवाइड में क्या हो जाएगा, 3 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर, ये पूरा आ गया है ना, ये पूरा जो है 3 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर, इसका रूट ओवर, प्लस में 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, अब इसका रूट ओवर। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो गया, 2 का होल क्यूब क्या होता है 8, और इन सबको अगर हम लोग ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, 85 आ जाएगा। डिवाइड में 3 माइनस रूट 2 प्लस 5 प्लस रूट 2, ये नीचे वाला कैसे है पता समझ में आएगा ना, स्क्वायर और रूट, स्क्वायर रूट दोनों जो है कैंसिल हो गया, तो नंबर सिर्फ यहाँ पे आ गया, इसमें भी सेम प्रोसेस। नेक्स्ट सिस्टम में क्या, 8 से 85 को मल्टीप्लाई करते हैं डिवाइड में, रूट 2 से रूट 2 गया, तो 5 प्लस 3 इजिकल टू 8, 8 से 8 गया, फाइनली जो है 85 हम लोग का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन का स्ट्रक्चर देखो कुछ पेचीदा जैसा लग रहा है ना, तो कोई बात नहीं, करते हैं पहले इसमें फाइंड आउट करना है कि कौन किससे ग्रेटर देन है, और इनकरेक्ट रिलेशन को फाइंड आउट करना है, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है। ठीक है,
निकालते हैं। चलो सबसे पहले हम लोग इसको जो है इफ करके एक चीज मान लेते हैं, ये ए प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी मान लेते हैं, ठीक। फिर दोनों का जो है इस टाइप का स्क्वायर निकाल लेते हैं, जगह कम पड़ रहा है इसीलिए हम जो है ऐसे करके कुछ लिख रहे हैं, ठीक है, निकाल लिए हैं सी प्लस डी। क्या किए हैं, इन दोनों को जो रूट ओवर उसका होल स्क्वायर करके निकाल रहे हैं वैल्यू, ठीक है, कुछ वैल्यू आ जाएगा। ये हो गया इक्वेशन वन और ये हो गया हम लोग का इक्वेशन टू, ठीक है। दोनों को अगर हम लोग कंपेयर करें तो कंपेयर वन एंड टू क्या मिलता है, कंपेयर कर लेते हैं तो ए बी इज लेस देन सी डी, यानी कि सी डी जो है वो बड़ा मिल जाता है। देन फिर क्या करते हैं, रूट ओवर ए प्लस रूट बी सी प्लस रूट ए। ये कैसे हुआ, क्योंकि हम लोग ऊपर में ही मान लिए हैं कि ए प्लस बी बराबर हो जाएगा सी प्लस डी के, यहाँ पे सिंस वी हैव कंसीडर्ड दैट दिस, हो गया। अब तो अगर हम लोग ये चीज़ मान ली है प्लस बी बराबर सी प्लस डी, तो ऐसे नहीं हो सकता क्या, 5 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 75, फिर 12 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 96। ये 5 कहाँ से आया, यहाँ से आया, देखो इसका 15 को इसका 5 को मल्टीप्लाई किया है 75, किस नियम के तहत, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, ये जो हम लोग फाइंड आउट किए हैं इसके रूल के अनुसार। तो फिर 16 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 64 हो गया, 14 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 84 और फाइनली जो 18 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 36। अब देखते हैं कि ग्रेटर देन लेस देन देखना है, यू पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कर लेते हैं सॉल्व, रूट 15 प्लस रूट 5 कितना देखे थे हम लोग, 75 ना, रूट 12 प्लस रूट 8 है कि नहीं, हो गया। तो इसमें समझ में आ रहा है कि ये जो है पूरा लॉ फॉलो कर रहा है, ये जो है हम लोग का छोटा है देन दिस, है ना। इसका वैल्यू क्या था हम लोग टोटल 75 और इसका टोटल वैल्यू क्या था 96, तो ये बड़ा है ये छोटा है, तो ये तो सही ऑर्डर है ना, तो इसको तो हम लोग गलत नहीं मान सकते हैं। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, नंबर 3 को देखते हैं, ये ऑप्शन नंबर 1 था ना, ऑप्शन नंबर 3 को देखते हैं, रूट 15 प्लस रूट 5 जो कि 75 है, रूट 14 प्लस रूट 6। ये भी रिलेशन पूरा अच्छी तरह से, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका 84 है इसका 75 है, तो दोनों रूल फॉलो कर रहा है। ऑप्शन नंबर 4 को देख लेते हैं, रूट 18 प्लस रूट 2 इज लेस देन रूट 15 प्लस रूट 5, ये भी रिलेशन फॉलो कर रहा है, 36 है इसका वैल्यू, 18 दूनी 36 और इसका वैल्यू 75, तो ये भी करेक्ट है। तो इनकरेक्ट कौन सा बचा रह गया, ऑप्शन नंबर 2, तो उसका भी देखो एक बार कर लेते हैं कैसे हुआ वो। ये हो गया, इसका वैल्यू कितना था 75 और रूट 16 प्लस रूट 4 इसका वैल्यू कितना था 16 चौके 64, ठीक है। तो ये जो है ये रिलेशन फॉलो नहीं करता है, ठीक है। ये देखो वैल्यू जो है बड़ा है, ये छोटा है कि नहीं, तो ये वाला साइन जो उलट देना चाहिए था, लेकिन ऐसा साइन है, इसलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे ये 2 to the power x minus 2 minus 2 to the power x minus 5 = 3584 है ना, तो यहाँ पे जो x का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन देख लो, 2 to the power x minus 2 minus 2 to the power x minus 5 = 3584, ठीक है। कॉमन ले लेते हैं 2 to the power x minus 5, तो क्यूब बचेगा माइनस 1 बचेगा, ठीक है। कैसे, यहाँ पे सॉल्व करके, ठीक है, लॉ ऑफ इंडिसेस अप्लाई करके यहाँ पे जो है इसको कॉमन लेने पे 2 to the cube minus 1 बच रहा है। तो अब क्या करते हैं, 2 to the power cube यानी कि 8 माइनस 1 हो गया और कुछ ऐसा हो गया 3584, इसको अगर हम लोग करते हैं तो 7 आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 5 से, इजिकल टू 3584 हो गया। अब क्या, 2 to the power x minus 5 इजिकल टू 3584 डिवाइडेड बाई 7, इससे अगर हम लोग करते हैं तो हम लोग का क्या आ जाता है, 512 आ जाता है वैल्यू, 512 हम लोग को पता है क्या होता है, 2 का होल 9 होता है ना, तो कुछ ऐसा रिलेशन यहाँ पे हो गया, तो 2 से 2 गया तो x माइनस 5 इजिकल टू 9 हो गया, तो x इजिकल टू 9 प्लस 5 इजिकल 14 आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें जो है इस पूरे नंबर का बीच में डॉट 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 भी है, इन सभी पूरा फिगर का जो है वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग रैशनलाइजिंग कर देते हैं, जैसे कि हम लोग पिछले वाले क्वेश्चन में किए थे, रैशनलाइजिंग वी गेट, व्हाट वी गेट कि
रूट 16 माइनस रूट 15 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 15 प्लस रूट 15 माइनस रूट 14 डिवाइडेड बाय 15 माइनस 14 प्लस रूट 14 माइनस रूट 13 डिवाइडेड बाय 14 माइनस 13, मतलब रैशनलाइज कर रहे हैं ना, 12। और ये यहाँ पे नहीं, नीचे चले जाते हैं, रूट 11 माइनस रूट 10, 11 माइनस 10 प्लस रूट 10 माइनस रूट 9 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 9 बिकॉज टू क्या हो जाएगा, सॉल्व करते हैं सबके नीचे में तो 1 आ जाएगा एज यूजल घटाने पे, है ना, यहाँ पे 11 है घटाने पे एज यूजल नीचे में 1, तो नीचे का तो नहीं लेगा ऊपर का ही, सिर्फ देखते हैं प्लस माइनस में क्या रिलेशन आ जाता है इसका। हो गया ये चीज, अब देखते हैं जो जिसे कट जाता है प्लस माइनस उसको काटते चलते हैं, 15 से 15, 14 से 14, 13 से 13 गया, 12 से 12 गया, 11 से 11 गया, इधर 10 से 10 गया, बचा क्या रह गया, रूट 16 माइनस रूट 9, रूट 16 मतलब होता है 4, रूट 9 मतलब होता है 3, तो इज इक्वल टू क्या होगा 1, यानी कि 1 जो होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ दिस, मतलब एज यूजुअल इसका वैल्यू जो हम लोग को फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो इतना बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर उतारते नहीं, हम डायरेक्ट इसका सॉल्व कर दे रहे हैं, लॉ ऑफ इंडिसेस के तहत, लॉ ऑफ इंडिसेस जो है उसके तहत कैसे कुछ ऐसा हो जाएगा, एन स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और ये भी जो है प्लस में ही आ जाएगा, ये हो गया जो इसका पावर था वो लिख देते हैं, इसका भी कुछ ऐसा ही एन स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस एन पी, ये जो माइनस एन पी है ऊपर जाने पे प्लस में आ जाता है, कैसे, लॉ ऑफ इंडिसेस एन माइनस पी मल्टीप्लाई ए टू द पावर पी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस पी एम टू द पावर पी माइनस एम। अगर आप लोगों को लॉ ऑफ इंडिसेस का आइडिया क्लियर नहीं है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं लॉ ऑफ इंडिसेस में भी जल्द से जल्द एक वीडियो बना दूंगी। अभी भी लॉ ऑफ इंडिसेस का रूल जो है फॉलो होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई जब भी रहता है तो पावर जो है वो ऐड होते चला जाता है, तो कर देते हैं ऐड कर देते हैं पावर्स को, लेकिन बेस सेम होना चाहिए, देखो हम लोग का बेस जो है सेम है, तीनों में बेस जो है ए है ना, तो इसलिए मल्टीप्लाई रहने पे प्लस करते चलते हैं पावर्स को, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में क्या है, ये दोनों जो है एक क्या हो गया हम लोग का क्यूब का फॉर्मूला हो गया, किसका क्यूब का, एम क्यूब माइनस एन क्यूब का फॉर्मूला हो गया, ये दोनों सिर्फ, ठीक है, तो उसी तरह इसमें भी अप्लाई होगा ना, इसमें भी एन क्यूब माइनस पी क्यूब हो जाएगा प्लस पी क्यूब माइनस एम क्यूब हो जाएगा, ओके, तो फिर ए टू द पावर एम क्यूब माइनस एन क्यूब प्लस एन क्यूब माइनस पी क्यूब प्लस पी क्यूब माइनस एम क्यूब, हो गया कट जा रहा है ना पावर एज यूजुअल प्लस माइनस माइनस करके, तो ए टू द पावर जीरो हो जाएगा, फाइनली जो है 1 हम लोग का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 में ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, उससे जो हम लोग एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है, और तो कैसे करेंगे, 4 टू द पावर एक्स माइनस 3 टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई रूट 3, रूट 3 कैसे हुआ, ये जो है लॉ ऑफ इंडिसेस के अनुसार हम लोग इसको तोड़ दिए हैं, ठीक है, पावर्स को तोड़ दिया है, फिर क्या होगा मल्टीप्लाई में रूट 3, क्यों यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ, क्योंकि ये प्लस रूट 1 बाई 2 है ना, 1 बाई 2 मतलब रूट ही होता है, माइनस रूट टू द पावर डिवाइडेड बाई 2 हो गया ये, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 4 टू द पावर एक्स माइनस 3 रूट 3 इजिकल टू 3 टू द पावर एक्स मल्टीप्लाई इतना 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 4 टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं, फिर क्या होगा, जितना 4 वाला था पावर्स वगैरह सबको उस घर में कर दिए हैं, और जितना 3 वाला था उसको हम लोग इस घर में ले आए हैं, फिर 4 टू द पावर एक्स 1 प्लस 1 बाई 2, इसमें क्या किया, 4 टू द पावर एक्स को कॉमन ले लिए हैं, फिर ये हो गया इसमें 3 टू द पावर एक्स को कॉमन ले लेते हैं, 1 बाई रूट 3 हो गया, फिर नेक्स्ट स्टेप में 4 टू द पावर एक्स इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 3 बाई 2 आ जाएगा इजिकल टू 3 टू द पावर एक्स, इसको क्या करते हैं हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, ठीक एलसीएम ले लेंगे तो 3 प्लस 1 आ जाएगा यहाँ पे, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या है, 4 टू द पावर एक्स डिवाइडेड 3 टू द पावर एक्स इजिकल टू 4 बाई रूट 3 मल्टीप्लाई 2 बाई 3 हो गया ना, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है, 4 बाई 3 का देखो होल एक्स ऐसे कर सकते हैं हम लोग, ऊपर में एक्स नीचे में एक्स, तो होल एक्स कर दिए हैं, इसका लू क्या हो जाएगा 8 बाई 3 रूट 3 हो गया ना, नेक्स्ट स्टेप में क्या है,
टू का पावर एट जो है वो क्यूब होता है, और इसको भी हम लोग रूट थ्री का पावर क्यूब लिख सकते हैं ना। तो 4/3 का एक्स इक्वल्स टू 2/√3 का होल क्यूब, ठीक है। तो अभी भी एक काम बाकी रह गया है कि 2 का होल स्क्वायर और √3 का होल स्क्वायर, ये दोनों वैल्यू जो है ये और ये दोनों सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर 2x हो जाएगा इक्वल्स टू 2/√3 का क्यूब हो गया। तो देयर फोर 2 to the power x इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, देयर फोर एक्स इज इक्वल टू जो वैल्यू आ गया हम लोग का 3/2 आ गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 जो कि हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ ऐसा चीज दिया हुआ है इसको जो एक्स का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग जो है 5 स्क्वायर को अलग कर देते हैं, कैसे, लॉ ऑफ इंडिसेस का रूल जो है यहाँ पे फॉलो हुआ है 8 4 3 7 5, ये हो गया 5 स्क्वायर को हम लोग इसमें से जो है हटा दिए हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इन दोनों का पावर देखिए सेम हो गया है, तो 2x-3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 4 3 7 5, ये 5 स्क्वायर जो है इस तरफ आ गया तो डिवाइड में हो गया, ठीक है। फिर 5 3 15 15, 2x-3 इक्वल टू क्या हो गया 3 3 7 5, इसको काट दिया है 25 से इसको, तो 3 3 7 5, हम लोग जानते हैं 3 3 7 5 जो है वो 15 का होल क्यूब होता है, हो गया। अब फाइनली हम लोग के पास रेस्ट क्या बच गया है, ये कुछ ऐसा हो गया है। तो लॉ ऑफ इंडिसेस के रूल अगर अपने आप यहाँ पे हम अप्लाई करें तो बेस अगर सेम रहे तो पावर जो है इक्वल हो जाता है, हो गया। तो फाइनली 2x इक्वल्स टू व्हाट 3+3, 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/2, यानी कि x इज इक्वल टू 3 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। इसी तरह के नॉलेज रिलेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें।